Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back into lecture number 3. And today I'm going to teach you osmoregulation. Osmoregulation. So dear students, osmo ka matlab hota hai solute aur regulate ka matlab hai ek narrow range ke andar rakhna, baqaida taur par usko manage karke rakhna, to maintain karna. यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना. सो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूट का जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है वो है सॉल्वेंट के साथ में. तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे किया जाता है कि एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की इन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट. तो ये आपके पास जो चीज़ कहलाती है, ये आपके पास सॉल्यूट मेंटेनेंस कहलाती है या सॉल्वेंट मेंटेनेंस कहलाती है. अगर हम बात करते हैं सेल्स की, फॉर एग्जाम्पल हम सेल की बात करते हैं, तो सेल में मोस्टली जो है वो सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है. क्योंकि सेल में ये 70% से लेकर 89% तक, 20% से लेकर 89% तक भी होता है. तो नॉर्मल सेल में 70 से 85% तक जो है वो वाटर प्रेजेंट है. अब इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है एंड एज वेल एज वाटर की जो कंसंट्रेशन होगी उसको मेंटेन करना होगा विद इन नैरो रेंजेस. एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑस्मोरेगुलेशन. तो दूसरे लफ्जों में आपकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड एज वेल एज वाटर कंसंट्रेशन इन द सेल. दूसरे लफ्जों में आपको इसको बोल सकते हैं द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है. सो डियर स्टूडेंट्स, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इसी सेल में से वाटर निकाल लिया जाए सपोज, या इसी सेल में बहुत ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर दिए जाएँ, वाटर निकालने से भी और सोल्यूट के ऐड करने से भी सेल के अंदर क्या होगा, इसकी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा. तो उससे क्या होते हैं कि सेल पिंच कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं अगर आपने सॉल्यूट ऐड किया है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर किया है, तो बाहर से वो वाटर ले लेके सेल बर्स्ट कर जाएगा, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि अल्टीमेटली सेल की डेथ होती है. तो डिहाइड्रेशन से भी सेल की डेथ हो जाएगी. अगर आप एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा वाटर देंगे तो ये फिर भी बर्स्ट कर जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए. हमारे पास तीन तरह के इन्वायरमेंट हो सकते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के लिए. हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट. सेल का जो एक्शन होगा मैं लिख देता हूं, सेल एक्शन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, कि ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर. सो हमारे पास तीन तरह के इन्वायरमेंट हैं, मैं सेपरेट कर देता हूं. एक इन्वायरमेंट हमारा ये आ जाएगा, एक ये होगा और एक लास्ट वाला होगा. अब ये जो इन्वायरमेंट है ना, फर्स्ट वन इसमें मैंने एक बीकर लिया. बीकर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, इस बीकर के अंदर मैंने 10 ग्राम NaCl डाल दिया. कितने वाटर के अंदर, अबाउट आप कह सकते हैं 100 ml. यानी कि 100 ml मैंने वाटर लिया है, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम NaCl डाल दिया. तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये हाइपरटॉनिक बनेगा. हाइपरटॉनिक आप इसको क्यों बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन बन रहा है ये हाइपरटॉनिक है. हाइपर का मतलब है ज़्यादा, टॉनिक मीन जो आपने सॉल्यूशन बना, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा. आप खुद देख लें 10 ग्राम है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटॉनिक. ये सॉल्यूशन बना पड़ा है 100 ml का. अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जो है वो सेल रख देता हूँ. ये मैंने सेल रखा, ग्रीन कलर से करेंगे चूँकि, ये मैंने इसके अंदर सेल जो है वो प्लेस कर दिया. जब ये सेल इसके अंदर प्लेस किया तो डियर स्टूडेंट्स, बाहर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है. दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, सेल के बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, हाइपरटॉनिक हम इसी को बोल रहे हैं. सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है. अगर हम बात करते हैं सेल के अंदर, तो सेल में जो सॉल्यूट हैं वो कम हैं
और जो वाटर है वो ज़्यादा है। सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर इन्वायरमेंट, तो ये जो सिचुएशन कहलाती है ये कहलाती है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इसके साथ अब हम आगे चलते हैं, पहले हमें ये इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, एक्शन तो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है आइसोटोनिक। ये बीकर था, इसके अंदर मैंने क्या किया 0.9 ग्राम NaCl लिया और उसको 100 ग्राम H2O के अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर, यानी कि उसको जब डिसॉल्व किया तो ये जो सॉल्यूशन बना इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो तकरीबन सेल के रिलेटेड थी, यानी कि जो इन्वायरमेंट था इसके अंदर सेल के अंदर भी तकरीबन जो है 0.9% जो हैं सॉल्यूशन है, या 0.9% आप कह सकते हैं NaCl या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मौजूद है, तो आप कह सकते हैं कि बाहर और अंदर सेम कंडीशन है। बाहर भी पानी सेम है और अंदर भी वाटर सेम है, बाहर भी सॉल्यूट सेम है और अंदर भी सॉल्यूट सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का नाम देंगे। जहां पर सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्यूट एंड एज वेल एज सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी, ये चीज़ क्या कहलाएगी आइसोटोनिक। फिर ये इन्वायरमेंट है, याद रख लें मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बैरूनी सेल की बात नहीं कर रहा। अब अगर मैं आपको बताता हूँ तीसरा, दैट इज़ द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। उसी तरह से बीकर लिया और बीकर के अंदर 0 ग्राम NaCl डाला, यानी कि आप NaCl डाल ही नहीं रहे, आपके पास क्या है 100 ml प्योर वाटर है। अब इस बीकर के अंदर आपने सेल को डाल दिया, ये सेल मैंने डाल दिया, इस बीकर के अंदर ये जो सेल है याद रखें इसके बाहर चूंकि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, बाहर क्या है सॉल्यूट कम है, सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर क्या है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो हमने बैरूनी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो कंडीशन कहलाएगी ये कहलाएगी हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सिचुएशन ये चीज़ कहलाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने सेल एक्शन की बात की थी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर सेल का जो एक्शन होगा वो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर 10 ग्राम NaCl लिया गया था 100 ml वाटर के अंदर, तो बाहर जो है वो सॉल्यूट ज़्यादा है, सेल के इन्वायरमेंट में सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर जो है वो कम है। सो अब क्या होगा, सेल के अंदर चूंकि वाटर ज़्यादा था सॉल्यूट कम था, तो वाटर्स कम्स आउट, वाटर जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा ऑस्मोसिस कहलाएगा, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू, इस केस में सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा है, द एरिया ऑफ फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है वो सेल से बाहर निकल आएगा और जो सेल की शेप होगी डियर स्टूडेंट्स वो पिंच्ड हो जाएगी, सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा। ठीक हो गया, सेल में से जब सारे का सारा वाटर बाहर निकल आएगा तो सेल जो है वो उसकी शक्ल ये हो जाएगी, सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा। आप दूसरे लफ्जों में बोल रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस हो गई है, प्लाज्मोलाइसिस हो गई है। प्लाज्मोलाइसिस क्या चीज़ होती है, प्लाज्मा का मतलब है जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो निकल गया है, लाइसिस का मीन टूट जाना, यानी कि सारे का सारा जो प्लाज्मा जो था उसमें जो वाटर था वो सारे का सारा निकल गया, तो सेल जिस शक्ल में आया उसको फ्लैसिड बोलते हैं, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ कहलाती है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस कहलाता है, ये कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस, वो अभी हम दोबारा जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो है
डियर स्टूडेंट्स, इस पर कोई नेट चेंज नहीं होगा क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर और अंदर सेम है, तो सेल की जो शेप है वो जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले केस के अंदर, सेल रिमेन सेम, नो नेट चेंज, यहां पर कोई चेंज नहीं आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज द जहां पर सोल्यूट हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, सोल्यूट सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर तो सोल्यूट है ही नहीं, तो अब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा किधर है? आप कहेंगे जो वाटर की कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स वो बाहर ज्यादा है, कि वाटर जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, क्योंकि बाहर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। सो यहां पर भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, बट इसके मामले में सेल क्या हो रहा है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेल अपनी सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि बाहर जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब है कम, टोनिक का मतलब है सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो अब सेल ने क्या किया है, अपने एवरेज साइज के अंदर जो है वो इजाफा किया है, सेल टर्जिड हुआ है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि सेल जो है वो टर्जिड हो गया है। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर सेल टर्जिड हो जाता है, सेल का जो एवरेज साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि सेल जो है वो अगेन एंड अगेन वाटर को इनटेक कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट कंडीशन है वो कौन सी है, कि अगर हमने एक फ्लैसिड सेल लिया है, हमारे पास एक फ्लैसिड सेल है, फ्लैसिड सेल को हमने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रख दिया, नेक्स्ट जो हमारी वो क्या कहते हैं सिचुएशन जो है उसको मैं ड्रा कर रहा हूं, कि ये जो था सारे का सारा, ये आपके पास 0 ग्राम NaCl यानी कि 100% आपके पास वाटर था, आपने इस सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रख दिया, ये सेल जो जिसकी शेप ये हो चुकी थी, इसको 100 ml ऑफ वाटर के अंदर आपने रखा, तो इसके लिए ये कौन सा एनवायरनमेंट है, ऑब्वियसली हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। तो वाटर क्या करेगा, आप बाहर से अंदर जाना शुरू कर देगा, जिसके रिजल्ट में, क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जिसके रिजल्ट में जो है ये सेल अपनी शेप दोबारा मेंटेन कर लेगा, सेल अपनी उसी शेप के अंदर दोबारा आ जाएगा। तो इसके इस खास किस्म की सिचुएशन को आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, कि व्हेन वी प्लेस अ फ्लैसिड सेल इनटू अ मीडियम कंटेनिंग मोर वाटर, द वाटर विल मूव फ्रॉम आउटर साइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल, एंड इन द रिजल्ट सेल बिकम टर्जिड और सेल बिकम इट्स सेल मेक्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन या सेल अटेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड डी प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि दोबारा से प्लाज्मा का डेवलप हो जाना, ये चीज़ क्या कहलाती है, डी प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे का सारा ये जो लेक्चर था समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा होगा ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। थैंक यू सर।